दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं शहर फातिमा द्वारा लिखी एक बहुत ही सुंदर और मासूमियत भरी कहानी। ये कहानी आपको बचपन के सुहाने दिनों के करीब ले जाएगी, जब गर्मी के मौसम में हमें आम खाने से ज्यादा आम लूटने का शौक हुआ करता था। और उसके बाद वो आम की केरियां, मीठे आचार और भी ना जाने क्या क्या। आज की कहानी आपको उन्हीं पुराने दिनों में ले जाएगी और आपके भी मुंह में आम के मीठे आचार का स्वाद दे जाएगी। इस कहानी में हम आगे जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारे नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं।
हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोपहर के 4 बजने चले थे। अपने घर की दहलीज पर बैठी हुई दादी अम्मा टकटकी लगाए सामने सड़क को ताके जा रही थी। जेठ की दोपहरी में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही था, लेकिन हरी और शालू को तो अब तक आ जाना चाहिए था, अम्मा ने सोचते हुए कहा। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी बच्चों के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अम्मा चौकन्नी सी होकर खड़ी हो गई। भागते हुए बच्चे उनके पास आए और फिर दोनों एक एक करके आम की केरियां अम्मा के आंचल में डालने लगे। अम्मा ने सारी केरियां जमा होने के बाद दोनों बच्चों की एक साथ बलाई लेते हुए कहा, आज बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। तब हरी ने कुछ तेज सांसों के बीच कहा, आज तो हम लोग पकड़े ही गए थे अम्मा, सोहन काका ने हमें टंडी लेकर दौड़ा दिया। शालू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ अम्मा, सोहन काका ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हम तो बाकी बच्चों की तरह पेड़ से सीधे आम चुराते भी नहीं, वो तो अंधड़ चलती है तब हम उसी में गिरे हुए आम चुनने जाते हैं। अम्मा ने हंसते हुए कहा, अरे सोहन का तो काम ही है बगीचे की रखवाली करना, वो तो अपना काम ही कर रहा है ना, अब उससे क्या ही दिल बुरा लगाना। तभी शालू ने कुछ याद करते हुए कहा, अच्छा अम्मा, अब ये बताओ, अब तो मीठे अचार बन जाएंगे ना। अम्मा ने पिछले 5 दिन से जमा की हुई आम की केरियों से भरी छोटी सी टोकरी को देखा। 5 दिनों में दोनों बच्चों ने मिलकर 15-16 आम जमा किए थे और फिर उन्होंने मुस्कुरा कर दोनों को देखा और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो आराम से बन जाएंगे, फिर तुम लोग जी भर के खाना और हाँ घर भी लेकर जाना। ये सुनकर दोनों बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर अम्मा के आंगन वाले नीम के छांव तले दोनों बच्चे यूं ही खेलते रह गए, जबकि अम्मा तब से जोर जुगाड़ में लगी थी। मीठे आचार बनाने के लिए तेल और मसालों के अलावा गुड़ भी लगने थे। उन्होंने बच्चों के सामने हामी तो भर दी थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो बाकी चीजों का इंतजाम कहां से करेंगी। आधा महीना मुंह बाय सामने खड़ा था। पेंशन के पैसे आने में अभी और 14 दिन बाकी थे और उनके पुराने घिसे हुए बटुए में सिर्फ कुछ सिक्कों के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा था। बूढ़ी आंखों में फिक्र थी। उन्होंने खुद को बड़बड़ाते हुए जैसे हिसाब दिया, पेंशन के पैसे, पेंशन के पैसे, अरे 1500 रुपए में होता ही क्या है, 1000 रुपए तो सीधे सीधे राशन में फूक जाते हैं, बाकी बचे 500 रुपए, 200 रुपए दूध के, और इस बार तो रजनी बिटिया की शादी में बाकी के पैसे चले गए। इतने मान से सब आते हैं कि कोठी वाली अम्मा के पैर छूने जा रहे हैं, तो अब दामाद को गोड़ लगाई कैसे ना देना होता। ऐसा मन ही मन कहते हुए उन्होंने बटुआ वापस अपनी जगह पर रख दिया और फिर धीरे धीरे चलती हुई द्वार के पास चली आई, जहां हरी और शालू
अभी भी खेल रहे थे। उन्होंने दोनों को देखकर फिर मन ही मन कहा, इतने प्यार से इन्होंने मेरे पिछले अचार खाकर कहा था कि इनके लिए भी ऐसा ही अचार बना दो। अब कैसे कहूं मैं इनसे कि। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी मुर्गी के दड़बे से कटकट की आवाज आई। तभी अम्मा को ख्याल आया कि उन्होंने तो कुछ अंडे भी जमा करके रखे हैं। ये सोचकर उन्होंने झट से जाकर अंदर टोकरी में अंडे देखे तो वहां 5 अंडे थे। एक और अंडे की तलाश में अम्मा अगले ही पल दड़बे के पास थी और उम्मीद के मुताबिक एक अंडा वहां से भी बरामद हो ही गया था। अम्मा ने एकदम से खुश होकर हरी और शालू को आवाज लगाई, हरी शालू, अरे ओ शालू, जरा इधर तो आ। शालू भागती हुई अम्मा के पास पहुंची, पीछे पीछे हरी भी आ गया था। तब अम्मा ने शालू को रुमाल में बांध के वो 6 अंडे थमाते हुए कहा, ये अंडे संभाल कर रामदिन की दुकान पर दिया और कहना अम्मा ने इन अंडों के मोल का गुड़ मांगा है। अभी शालू उनकी बात पर सिर हिला ही रही थी कि तभी द्वार पर से कर्कश सी आवाज आई, हरी शालू ना स्पीटो, तुम लोग यहां बैठे हो, भरी दोपहरी में घर से निकल आते हो और जहां तहां जाकर दूसरों के बगीचे से आम चुराते रहते हो। कहकर हरी की माँ घर की दहलीज तक आ गई और सामने खड़े दोनों बच्चों के कान उमेट दिए। शालू ने माँ को आता देखकर तब तक झट से रुमाल में बंधे अंडे अम्मा को वापस कर दिए। अम्मा ने जब हरी की माँ लाजो को बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव करते देखा तो दोनों को अपने पीछे छुपाती हुई बोली, क्या करती हो बहू, छोटे बच्चे हैं, इन्हें ऐसे तो ना बोलो। लेकिन लाजो के सर पर इस वक्त गुस्सा सवार था। उसने अम्मा के पीछे से दोनों बच्चों को खींचकर सामने किया और दोनों को एक एक धौल जमाते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए अम्मा जी, पूरे मोहल्ले के बच्चे को बिगाड़ के रखा है। अरे छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझाने के बजाय आप उन्हें और आम की केरियां चुनने भरी दोपहरी में बगीचे में भेज देती हैं। ये इल्जाम सुनकर अम्मा कुछ घबरा सी गई। उन्होंने कुछ हकलाते हुए कहा, मैं क्यों उन्हें बगीचे भेजूंगी। लेकिन लाजो ने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा, ज्यादा भोली ना बनिए, सब जानती हूं मैं, उधर वो सोहन आकर हमारे आंगन की धूल उड़ा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे बच्चे आम चोरी करने जा रहे हैं और यहाँ हमें आम तो क्या, आम का गुठली भी नसीब नहीं हो रहा। ये तो जी वही बात हो गई कि जात भी गवा रहे हैं और भात भी नहीं खा रहे हैं। इस बीच शालू ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी लाजू ने उसे फिर से एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तू चुप कर और सीधे सीधे घर चल, और कल से अगर भरी दोपहरी में बाहर निकली तो हाथ पैर तोड़कर घर बिठा दूंगी। अपने साथ साथ अपने भाई को भी बिगाड़ रही है। ऐसा कहकर लाजो ने दोनों भाई बहनों के पीठ के कपड़े दबोचे और उन्हें घसीटते हुए घर की तरफ हाँक ले गई। लाजो को बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव करते देखकर अम्मा की आंखें छलक आई थी। उन्होंने सफेद साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछकर वहीं दीवार से टेक लगाए बैठते हुए कहा, हे भगवान, बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश के लिए उन्हें ऐसा सजा देना। बगीचे में इतने पेड़ हैं मगर सोहन को इन 8-10 आम की इतनी फिक्र हो गई,
ये भी नहीं सोचा कि बच्चों और पशु पक्षियों का भी हिस्सा होता है हर फसल में। ऐसा कहते हुए उनका ध्यान बरबस ही अपने पोते पोतियों पर चला गया। अम्मा के तीन बेटे थे, तीनों अलग अलग शहरों में बसे। अब इस छोटे से गांव में लौट कर आना ना तो अफसर बेटों को अपने रुतबे के हिसाब से सही लगता और ना ही उनकी बीवियों को। एक दो को छुड़ा कर तो अम्मा ने बाकियों के चेहरे भी नहीं देखे थे। तीनों लड़के पढ़ाई करने शहर गए और अपनी पसंद का ब्याह करके वहीं बस गए। इतने सालों बाद भी अम्मा की आंखों के सामने वो दिन किसी फिल्म की तरह चलने लगा था, जब बड़े और छोटे बेटे गांव आए हुए थे। अम्मा ने तो जैसे पूरा गांव जमा कर लिया था, लेकिन बेटों के चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि उन्हें यहां इन लोगों के बीच वक्त गुजारना कितना मुश्किल लग रहा है। लेकिन बात ही ऐसी थी कि उन्हें आना ही पड़ा था। तीनों भाइयों ने यह फैसला ले लिया था कि गांव की सारी जमीनें बेच दी जाए, इसलिए सारी जमीन बेच दी गई। बड़ा लड़का तो कोठी बेचने की फिराक में भी था, लेकिन ये पुश्तैनी कोठी अम्मा के पति ने पहले ही अम्मा के नाम कर दी थी, इसीलिए बेटों का कोई जोर नहीं हुआ। और लाख कहने के बावजूद भी अम्मा को ये कोठी बेचना मंजूर ना हुआ। इसीलिए सबके जाने के बाद बड़ा बेटा रवि उनके पास बैठता हुआ बोला, इतनी बड़ी कोठी है अम्मा, अब कौन रहने आ रहा है यहां, और तुम अकेली जान कहां से इसकी देखभाल कर पाओगी। अम्मा ने कुछ झुंझलाते हुए कहा, मैं ताले डालकर रखूंगी, तुम लोगों को इससे क्या। छोटे बेटे ने उन्हें ऐसे भड़कते हुए देखा तो झट से मक्कारी पर उतरते हुए बोला, अरे अम्मा गुस्सा काहे हो रही हो, भैया तो तुम्हारे भले ही के लिए कह रहे हैं ना, कोठी बेचकर कौन सा तुम्हें किराए के मकान में रहने के लिए कह रहे हैं हम लोग। भैया तो ये चाहते हैं कि तुम बारी बारी से हम सबके साथ आकर रहो। ये सुनकर जहां अम्मा कुछ तड़प सी गई, वहीं बड़े बेटे ने छोटे को घूरते हुए देखा, जैसे उसे डर हो कि कहीं अम्मा इस बात के लिए मान ना जाए। लेकिन अम्मा ने झट से कहा, तुम्हारे शहर की जिंदगी तुम ही लोगों को मुबारक हो बेटा, मैं बुढ़िया सारी जिंदगी यहां गुजार कर अब बुढ़ापे में कहां शहर में रचने बसने के तौर तरीके को सीख पाऊंगी। मैं यही ठीक हूं, और वैसे भी 65 साल की हो गई हूं, और उम्र ही कितनी बची होगी मेरी, कुछ साल और बचे होंगे, रह लेने दे मुझे यहीं, फिर भले चिता की अग्नि भी ना शांत हो, फिर बेच लेना ये कोठी भी। अम्मा की ऐसी बातें सुनकर फिर दोनों बेटों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और दोनों उसी रात की ट्रेन से वापस शहर चले गए। कुछ दिनों तक मनी ऑर्डर भेजने की रस्म पूरी की गई। अगर साल 6 महीने में वो भी बिना कुछ बोले बंद हो गया। अम्मा ने फिर भी बच्चों के लिए कुछ बुरा भला मन में लाने का सोचा तक नहीं। अब ये कुछ पड़ोसी के बच्चे और गांव वाले ही उनका सहारा थे। बच्चों के साथ अम्मा का दिल बहला रहता, लेकिन हरी और शालू की माँ को अम्मा फूटी आंख ना सुहाती।
सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते हरी के पिता अम्मा को बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानते थे और लाजो को यही बात खूब खटकती। जबरदस्ती की गले मढ़ी गई सास की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आन पड़ी थी, इसीलिए वो अम्मा से खूब कुढ़ी रहती। और यही वजह थी कि उसने घर लाकर दोनों बच्चों को दम भर पीटा। बच्चों के रोने की आवाज जब अम्मा के कानों में पड़ी तो उन्हें भी और अफसोस हुआ। शाम ढले जब हरी के पिता घर लौटे तो दोनों बच्चों को सोया देखकर कुछ हैरान से रह गए। लाजो भी कुछ उखड़ी उखड़ी सी महसूस हो रही थी। उसने सोए हुए बच्चों के पीठ सहलाकर उन्हें दुलारना चाहा तो एकदम से शालू की सिसकी सी निकल गई। हरी ने जब टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर डाली तो शालू डर के मारे उठकर अपने पापा से लिपट गई और रोने लगी। फिर उसने अपने पिता के पूछने पर सब कह सुनाया। हरी के पिता को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन वो जानता था कि लाजो से कुछ भी कहना बेकार होगा, उसे किसी और तरीके से ही समझाना होगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उसने रात किसी तरह से काटी और फिर सुबह होते ही कुल्हाड़ी उठाकर आंगन में मौजूद आम और कटहल की मोटी टहनियां काटने में जुट गया। लाजो ने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन जैसे जैसे कटती हुई टहनियों के पार से सूरज की किरणें आंगन और घर तक घुसने लगी वैसे ही उसका दिमाग घूम सा गया। उसने एकदम से जाकर पति के हाथों से कुल्हाड़ी छीनकर जमीन पर पटक दी और कहा, जेठ में टहनियां काटे जा रहे हो, जरा अकल भी लगा लेते कि भला ऐसी गर्मी में कोई आंगन के पेड़ को काटता है क्या? ललन ने लाजो की बात अनदेखी करते हुए एक बार फिर से कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा, अरे बड़े खर्चे हैं इन पेड़ों के, दवाएं डालो, पानी दो, खाद दो, अब इतना खर्चा कौन करे? ये सुनकर लाजो ने अपना सर पीटते हुए कहा, अरे सुबह सुबह क्या हुआ है इस आदमी को, ऐसी मत मारी गई है तुम्हारी? समझते काहे नहीं हो कि आंगन के पेड़ काट दिए गए तो इस मौसम में तो हमारा रहना दुर्बर हो जाएगा, चिलचिलाती हुई धूप सीधे सर माथे आ लगेगी। तब ललन ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अगर यही बात है तो तुम खुद काहे नहीं समझ लेती? लाजो ने कुछ हैरान होते हुए पूछा, पेड़ तुम काट रही हो और समझ मैं जाऊं? ललन ने वहीं चबूतरे पर बैठते हुए लाजो का हाथ थामकर उसे भी बगल में बिठाया और बोला, एक पेड़ तो तुम भी काटने की तैयारी में हो, अरे बड़े बुजुर्ग की दुआएं भी तो हमारे लिए छांव और फल ही है ना, फिर अम्मा से इतनी चिड़का है? ये सुनकर लाजो कुछ हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन मैं तो बस हरी और शालू को उनसे दूर रहने के लिए बोल रही थी। बोलते हुए लाजो ने ललन को सोहन माली और आम की कीरियों वाली सारी बात कह सुनाई और तब ललन ने जवाब में कहा, लाजो बड़े बूढ़ों और छोटे बच्चों का साथ
सिर्फ उनका साथ नहीं होता, बल्कि तीन पीढ़ियों के बीच में एक पुल का काम भी करता है। रहा सवाल केरियां चुनने का, तो वो हमारे बच्चे कुछ अनोखा नहीं कर रहे हैं। तुम जरा याद करके बताओ कि क्या तुमने अपने बचपन में ये सब हरकतें नहीं की हैं? ये सब सुनकर लाजो खामोश हो गई। उसके सामने अपने बचपन की यादें घूमने लगी थी। वो भी तो ऐसे ही अपने सखियों के साथ मिलकर ऐसी शरारतें करती थी। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी द्वार पर बूढ़ी अम्मा की आवाज आई, लाजो, अरे ओ लाजो बहू। ललन ने आगे बढ़कर अम्मा को सहारा देते हुए चबूतरे पर बिठाया और फिर लाजो से बोला, लाजो जरा चाय बना के लाना। लेकिन अम्मा ने एकदम से लाजो को रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं चाय छोड़, तू तो ये मीठा अचार चक्कर बता, कैसा बना है। कहकर अम्मा ने हाथों में थमे थैले से दो डिब्बे निकालकर लाजो के हाथ में रखे और कहा, ये बड़ा वाला बच्चों का हिस्सा और ये छोटा वाला तुम दोनों का। लाजो शर्मिंदगी के एहसास में कुछ और घिर सी गई। अम्मा ने उसका झुका हुआ सिर देखते हुए कहा, बहू, बच्चों ने पिछली बार मेरे हाथ का ये मीठा अचार खाया था तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था, तभी जिद करके कहा कि केरिया वो सोहन के बगीचे से चुनकर ला देंगे, मैं उनके लिए ढेर सारा ये मीठा अचार बना दूं। बस इसीलिए वो कुछ दिनों से केरिया चुनने जा रहे थे। ललन ने उनकी ममता भरी बातें सुनी तो प्यार से कहा, अम्मा मुझे कह देती, मैं बाजार से खरीद कर ला देता। अम्मा ने ललन की तरफ देखकर कुछ कहना ही चाहा था कि तभी अंदर से शालू और हरी उठकर आते हुए अम्मा से लिपट गए और कहा, लेकिन बाबा, बाजार वाली केरियों में वो स्वाद कहाँ जो सोहन के बगीचे वाली केरियों में है। ऐसा कहकर दोनों ने डब्बा खोला और अचार के फांक निकालकर खाने लगे। अब तक लाजो की समझ में आ गया था कि बड़े बुजुर्गों के साथ घुलना मिलना किसी भी तरह से घाटे का सौदा नहीं होता। उसने एक प्यार भरी नजर ललन पर डाली और फिर उठकर रसोई की तरफ बढ़ती हुई बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूं। उसके लहजे की मिठास ने अम्मा को भी समझा दिया था कि लाजो अब उनसे कुढ़न में नहीं है, इसीलिए अम्मा के चेहरे पर भी सुकून सा छा गया। उन्होंने एकदम से मीठा अचार खाते हुए बच्चों को अपनी झुर्रीदार बाहों में समेट लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अब समय हो गया है आपके सोने का, तो चलिए अपनी आंखों को बंद करिए और सपनों की दुनिया में खो जाइए। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।